एवरीवन, ललिता भारद्वाज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंगी मसर की दाल। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, इसके लिए लिया है मैंने आधी कटोरी ली है मूंग की दाल, ये देखिए, और आधी कटोरी ली है मैंने मसर धुली हुई, और इसके लिए लिया है मैंने नमक और एक चौथाई हिस्सा छोटा चम्मच हल्दी। तो सबसे पहले हम इनको वॉश कर लेते हैं, दाल को, दोनों दाल को हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, दूसरे बाउल में मैंने इन दोनों दालों को मिक्स कर दिया है, और अब हम सबसे पहले इनको वॉश कर लेते हैं। ये देखिए, दाल को मैंने 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है, और अब हम इस दाल को डालेंगे कुकर में। ये देखिए, अब मैं इसमें डालूंगी 3 कटोरी पानी, और इसी के साथ डलेगा इसमें नमक हल्दी, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, यानी कि 1 से 1.5 चम्मच के करीब हम इसमें तेल डाल देंगे। और अब हम इसका ढक्कन बंद करके इसको 1 व्हिसल आने तक पका लेंगे। तो चलिए 1 व्हिसल आने तक हम इसे पका लेते हैं। ये देखिए, दाल पक चुकी है, ये देखिए। तो चलिए अब इसके तड़के की तैयारी करते हैं। ये देखिए, एक कढ़ाई चढ़ाई है मैंने, इसमें डालेंगे हम देसी घी। आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, जो भी आप खाते हैं। ये देखिए, इसमें डालेंगे हम एक तेज पत्ता, हींग, जीरा, धनिया, ये देखिए, इसके लिए लिया है मैंने 3-4 लिए है लहसुन की कलियां, और उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। एक टुकड़ा है अदरक का, इसे मैंने क्रश कर लिया है, और ये 3-4 हरी मिर्चें हैं। डालेंगे हम लहसुन, अब हम इसमें डालेंगे अदरक और मिर्च, इसको हम हल्का सा सोते करेंगे, और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए, एक प्याज है, इसे मैंने बारीक बारीक कट कर दिया था, और अब ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, प्याज को बस हमें इतना ही भुनना है, और अब हम डालेंगे इसमें कटे हुए टमाटर, नमक, तो नमक जरा देख के डालेगा क्योंकि हमने पहले भी डाला है, धनिया पाउडर, हल्दी, और इसमें डालेगा थोड़ा सा पानी। ये देखिए, और अब हम इसको ढक के 2 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए, दाल के लिए तड़का तैयार है, सारे टमाटर अच्छे से मैश हो चुके हैं, और अब हम इस टाइम इसमें डाल देंगे ये भुनी हुई दाल। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। तो देखिए, दाल तैयार है हमारी। इसको 1 मिनट के लिए हम एक बॉईल आने देते हैं, उसके बाद हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, दाल तो हमारी तैयार है, लेकिन अब दाल में हम लगाएंगे छोटा सा और एक तड़का। ये देखिए, तेल गर्म हो चुका है, और अब इस टाइम हम गैस को कर देंगे बंद, और इसमें डालेंगे 2 सूखी मिर्च।
दो सूखी मिर्च डालकर हम इसको 1 सेकंड के लिए पका लेंगे और फिर हम इसे बंद कर देंगे गैस को। और इस टाइम इसमें डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च। और ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, मूंगी मसर की दाल बनके तैयार है। आप इसे रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।